जय हिंद एंड वेलकम टू दी फोर्थ लेक्चर ऑफ इन्वायरमेंटल सीरीज इन थर्टी डेज ए पी एफ क्रैश कोर्स यू गेट सिक्सटी थाउजेंड थाट्स इन अ डे सो चूज़ वाइजली डे एवर थाट्स यू सीट इन योर सीट्स इन योर माइंड इट बिकम्स ट्री इन इन अ मैटर ऑफ टाइम सो यू नीड टू बी वेरी वाइज इन योर थाट्स अगर आप दिन भर में एक ही थाट्स को बार बार रिपीट करेंगे कि मुझे इस एग्जाम में सक्सेस चाहिए सक्सेस चाहिए तो वो थॉट्स स्ट्रांग होता जाएगा और सब कॉन्शियस माइंड में आपके चला जाएगा एंड इट अल्टीमेटली विल फाइंड इट्स वे और आपको पता भी नहीं चलेगा पूरा यूनिवर्स का एनर्जी आपको आपके थाट को सच बनाने में लग जाएगा इसी थाट के साथ हम इन्वायरमेंट के फोर्थ लेक्चर को स्टार्ट करते हैं देखिए जो टॉपिक मैं कवर करूंगा द टॉपिक दैट आल कवर इज़ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी इको सिस्टम फूड चेन एंड फूड वेब बायोलॉजिकल इंट्रैक्शन एंड इकोलॉजिकल पिरामिड सो लेट us बिगिन देखिए ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है एंड बहुत ही कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है लास्ट लास्ट थ्री लेक्चर्स था काफ़ी बोमबार्डेड था uh, काफ़ी बोमबार्डेड था फैक्ट से तो उस हिसाब से ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल लेक्चर रहेगा सो so, हम प्रोसीड करते हैं आगे ये इन्वायरमेंट देखिए इन्वायरमेंट का मतलब होता है सराउंडिंगस इन विच ऑर्गेनिजम लिवस टोटल है बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर का दैट सराउंड एंड पोटेंशियली इन्फ्लुंस एन ऑर्गेनिज्म देखिए बायोटिक कॉम्पोनेंट का मतलब होता है लिविंग लिविंग फैक्टर्स लिविंग फैक्टर्स में आते हैं एनिमल्स प्लांट्स डिकम्पोजर्स एक्सेट्रा ए बायोटिक फैक्टर होते हैं नॉन लिविंग फैक्टर्स ठीक है नेक्स्ट हमारा इकोलॉजी देखिए इकोलॉजी जो है ये साइंटिफिक स्टडी है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेशनशिप्स का आपस में और उनका रिलेशनशिप विथ देयर इन्वायरमेंट उसको स्टडी करता है ठीक है हम आगे बढ़ते हैं होल होलिजम एंड देखिए ये जो टर्म्स हैं इंडिविजुअल पॉपुलेशन कम्युनिटी इकोसिस्टम बायोम एंड बायोस्फ़ेयर ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपको समझना है देखिए अगर किसी भी पॉपुलेशन का एक इंडिविजुअल स्पीसीस है तो उसको हम इंडिविजुअल बोलते हैं इन्वामेंटल टर्म में अगर एक जैसे कि एग्जाम्पल में एक डेयर डियर जो है एक स्पीसीस है और उसका एक डियर ये एक इंडिविजुअल है अगर एक डियर के कई सारे डियर्स के अगर एक आ, को हम मिला करके एक स्पीसीज को सिर्फ देखें तो वो एक पॉपुलेशन कहलाएगा नेक्स्ट है कम्युनिटी कम्युनिटी का मतलब है ढेर सारे ढेर सारे स्पीसीज़ के पॉपुलेशन एक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं दैट इज़ कम्युनिटी कम्युनिटी से बड़ा है इको सिस्टम इको सिस्टम इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ आगे च, और अच्छे से आप समझेंगे बायोम जो है दैट इज़ डिफाइंड फॉर पर्टिकुलर रीजन और बायोस्फेयर जो है इट इज़ द स्वेयर वेयर लाइफ इज पॉसिबल हम जैसे आगे आगे, आगे, आगे प्रोसीड करेंगे ये टर्म्स आपको और अच्छे से क्लियर होते जाएंगे देखिए इंडिविजुअल देखिए इंडिविजुअल इज अ डिस्टिंग यूनिट ऑफ लाइफ इन नेचर एग्जाम्पल इसका है प्लान्टनिमल पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जैसे हमने समझा था डायग्राम में ऑल द फ्रॉक्स एग्जाम्पल में ऑल द फ्रॉक्स इन अ लिविंग पॉइंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पॉपुलेशन नेक्स्ट हमारा कॉम्युनिटी देखिए कॉम्युनिटी है ब्लेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एनिमल्स बैक्टीरिया फंगी दिस फॉर्म्स द कॉम्यूनिटी नेक्स्ट हम नेक्स्ट देखिए इको सिस्टम का मतलब है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फेयर देखिए बायोस्फेयर वो जोन को बोलते हैं जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है ये ये दिस इज द दिस इज द मिक्सचर ऑफ एटमोस्फेयर हाइड्रॉस्फेयर एंड लिथॉस्फेयर इसको हम बायोस्फेयर बोलते हैं यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है और बायोस्फेयर के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को हम ईको डिफाइन करते हैं यहाँ पे लिविंग बिग्स एंड फिजिकल इन्वायरमेंट दोनों एग्जिस्ट करते हैं साथ में और दोनों ही इंटरेक्ट करते हैं आपस में और एक्सचेंज करते हैं मटेरियल्स बिटवीन देम दम एक्स्टर्म आपको जो एग्जाम व्यू पॉइंट से याद रखना है ये होम्यो स्टेटिस है होम्यो स्टेटिस है देखिए इको जो जैसे हायर हायर बायोडावर्सिटी का जो होको होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है बिकॉज वो स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि वो खुद को सेल्फ रेगुलेट कर सकते हैं और इसी और इसी कॉन्सेप्ट को हम होम्योस्टैटिस बोलते हैं देखिए इकोसिस्टम का क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं नेचुरल इकोसिस्टम और एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है वो मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम होता है एग्जांपल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि एक लेबोरेटरी में छोटा सा इकोसिस्टम आपने डेवलप कर रखा है कुछ रिसर्च के लिए तो वो एक इकोसिस्टम है क्योंकि वहाँ पर लाइफ पॉसिबल है कई सारे वहाँ पे कई सारे वहाँ पे स्पीशीज पॉपुलेशन कम्युनिटी है फिजिकल इन्वायरमेंट भी है और वहाँ पे एक दूसरे से सब इंटरेक्ट कर रहे हैं और वो एक दूसरे से मटेरियल एक्सचेंज कर रहे हैं जैसे कि लिविंग जो है वो प्रेजेंट हवा में सांस ले रहा है सिमिलरली जो वहाँ पे जो स्पीसीज जो वहाँ पे हैं उस पॉप उस इको सिस्टम में दे आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू द प्रेजेंट इन्वायरमेंट आई होप आपको आर्टिफिशियल इको सिस्टम क्लियर हो क्या होगा देखिए नेक्स्ट जो हमारा है नेचुरल इको सिस्टम नेचुरल इको सिस्टम भी डिवाइडेड है टेरेस्ट्रियल इको सिस्टम एंड एकवेटिक इको सिस्टम टेरेस्ट्रियल मतलब जो कि जमीन पर है जैसे कि फॉरेस्ट ग्रासलैंड डिजर्ट इक्वेटिक मतलब जो कि पानी में है इसका भी दो क्लासिफिकेशन है फ्रेश वाटर एंड मरीन वाले दो दो टाइप का है लेंटिक जो स्टैंडिंग वाटर होता है उसको हम लेंटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम बोलते हैं दैट इज एग्जांपल में लेक पाउंड डच स्वैम्प क्योंकि वो मूव नहीं कर रहे वो स्टिल हैं और दूसरा लोटिक फ्रेश वाटर इको है दैट इज रनिंग वाटर इसका एग्जाम्पल है रिवर स्प्रिंग्स एंड स्ट्रीम मरीन 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 एक्वाटिक नेचुरल इको का एग्जाम्पल है ओशन एंड सीज

इको सिस्टम क्लाइमेटिक फैक्टर जो इंक्लूड है वो रेन लाइट विंड एंड टेम्परेचर है आप इसको ध्यान रखें एग्जाम व्यू पॉइंट से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लाइमेटिक फैक्टर्स ऑफ द इको सिस्टम तो आप याद रखेंगे सिमिलरली ए बायोटिक कॉम्पोनेंट का है एडाफिक फैक्टर्स एडाफिक फैक्टर्स हम आप समझिए क्या है सॉयल पी एच मिनरल्स एंड टोपोग्रफी ये आप याद रखेंगे एग्जाम व्यू पॉइंट से देखिए बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स उनको बोला जाता है जो खुद खुद जो खुद से खाना बनाने के क्षमता होते हैं प्रोड्यूसर्स आर दोज हु आर केपेबल टू तो मेक देयर ओन फूड नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर्स को हम ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं नेक्स्ट हमारा कंज्यूमर्स कंज्यूमर्स आर दोज आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर देयर फूड इनको हम हीट्रोट्रॉप्स भी बोलते हैं हीट्रोट्रॉप्स भी बोलते हैं देखिए कंज्यूमर्स भी चार तरीके के हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स सेकेंडरी कंज्यूमर टर्सरी कंज्यूमर्स एंड क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स ये जब हम पिरामिड देखेंगे तब आप अच्छे से समझेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स और ये समझिए दोज कंज्यूमर्स दैट आर टोटली डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स दैट इज प्लांट्स फॉर देयर फूड हैबिट सेकेंडरी कंज्यूमर इज दोज आर डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स टर्सरी आर कार्निवर्स काइंडूमर्स हुआ सेकेंड्री एंड क्वार्टरनरी टॉप लेवल ऑफ द कंज्यूमर्स यू कैन एग्जाम्पल में क्वार्टरनरी में आप हॉक समझ सकते हैं हॉक दैट इज ईगल काइंड जो नेक्स्ट बायोटिक कॉम्पोनेंट है वो डिकम्पोजर्स है इसको हम भी बोलते हैं डिकम्पोजर्स मतलब दोज हु द डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर्स एंड फाइनली रिटर्न दोज इन टू नेचुरल इन्वॉर्मेंट उनको हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं बायोटिक फैक्टर में प्राइमरी प्रोड्यूसर में आप एग्जाम्पल याद रखेंगे बैक्टीरिया एंड एल्गी नेक्स्ट हमारा कंज्यूमर्स कंज्यूमर्स में कंज्यूमर्स का मतलब है दो मैंने बता दिया कि दोज डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड एग्जाम्पल्स में दे मे कंज्यूमर प्रिडेशन पैरासाइटेशन पैरासाइडेशन एंड बायोडिग्रेडेशन ये टर्म्स का मतलब आप आगे के लेक्चर्स में और अच्छे से समझेंगे आई होप शायद आपको पैरासाइट parasit, पैरासाइटिजेशन का और बायोडिग्रेडेशन का कुछ कुछ आइडिया मिल गया होगा बायोडिग्रेडेशन मतलब इट इज डन बाय द बैक्टीरिया एंड फंगी विच फीड्स ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर हमने अभी जो अभी पढ़ा यहाँ पे डिकम्पोजर्स द बायोडिग्रेडेशन मेथड प्रेडेशन एंड पैरासाइडेशन आगे के लेक्चर्स में हम समझेंगे नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इकोटोन देखिए क्या होता है कि दो इकोसिस्टम जैसे कि मान लीजिए एक ए एक सिस्टम है और एक दूसरा दूसरा इको है और दोनों के बीच में एक जंक्शन पॉइंट है तो जो जंक्शन पॉइंट है

एंड यू you'll, you'll be shocked शॉक टू नो ये ज़्यादा डाइवर्स होता है इको सिस्टम दैट इज़ वाई ये जो ये जो ट्रांजे ट्रांज, जोन ऑफ जंक्शन और ट्रांजिशन है दैट इज़ कॉल्ड द इकोटोन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल में देखिए आप इसको याद रख सकते हैं कि एश्योरीज जो है दे आर द इकोटोन बिटवीन सॉल्ट एंड फ्रेश वाटर इको सिस्टम देखिए क्या होता है कि एग्जाम्पल में हम आपको मैं आपको बताता हूँ आप अच्छे से समझेंगे कि हमारा अरेबियन सी है वो थोड़ा सॉल्टी है लेकिन जो रिवर्स हैं वो फ्रेश वाटर इको है और वो जा करके के जब नदी में जब वो नदी में जा करके के मिलते हैं तो मिलने के पहले मिलने के पहले मिलने के पहले एक थोड़ा सा ट्रांजिशन जोन होता है उसको हम इकोटोन बोलते हैं और उस ट्रांजिशन जोन में आप देखेंगे वहाँ पे कई कई वेराइटीज़ कई वेरायटीज़ ऑफ़ स्पीशीज़ पाए जाते हैं बहुत सारे मछलियाँ वहाँ पे ज़्यादा होती हैं दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ़ एश्च्योरीज़ Series, जो टर्म है ये आप जोग्राफी जब हम लेक्चर लेंगे तो आप और अच्छे से समझेंगे एक और एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं ग्रास लैंड ग्रास लैंड इज एन इको सिस्टम बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट इको सिस्टम देखिए फॉरेस्ट का मतलब आप समझ रहे हैं डेजर्ट का मतलब भी समझ रहे हैं इन दोनों के बीच का जो है वो ग्रास लैंड है और आपको शॉकिंग होगा कि ग्रास लैंड इज़ मोर डाइवर्स दैन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट इको सिस्टम देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स जोन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इकोटोन का देखिए मैंने पहले बता दिया इट इज़ द जोन ऑफ जोन ऑफ ट्रांजिशन आप आप समझ गए होंगे एज इफेक्ट मैंने आप ये भी आपको समझा दिया है इनडायरेक्टली देखिए इस क्या होता है एज इफेक्ट में नंबर ऑफ स्पीसीज एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सम ऑफ़ द स्पीसीज इज मच ग्रेटर इन साइज दैन द एडजॉइनिंग कम्युनिटी जो स्पीसीज ए कम्युनिटी में जो स्पीसीज ए कम्युनिटी में जितने होंगे या जो स्पीसीज बी कम्युनिटी में जितने होंगे कुछ स्पीसीज इकोटो इको जोन में मोर डाइवर्स और मोर नंबर्स में होंगे दिस इज द इकोटोन एज इफेक्ट एंड इस इफेक्ट दिस इफेक्ट इज नोन एज एज इफेक्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम व्यू पॉइंट से आप इसको याद रखेंगे नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं इकोलॉजिकल नाइक समझिए अ पॉपुलेशन ऑफ ईच स्पीसीज विद इन अ कम्युनिटी हैज़ अ सेपरेट इकोलॉजिकल नाइक इसका क्या मतलब है देखिए आप समझिए देखिए एक कम्युनिटी में बहुत सारे पॉपुलेशन स्पीसीज है होते हैं जैसे कि एक मान लीजिए एक कम्युनिटी है उसमें दो तरीके के प्लांट स्पीसीज है तीन तरह के एनिमल स्पीसीज हैं तो इस पूरे कम्युनिटी इकोसिस्टम में जितने भी प्लांट स्पीशीज हैं या जितने भी एनिमल स्पीशीज हैं सबका इकोलॉजिकल फंक्शन अलग होगा नो टू स्पीशीज ऑफ ए विद इन अ गिवन कम्युनिटी कैन हैव एग्जैक्टली सेम सेम फंक्शन एंड लिव परमानेंटली टुगेदर अगर कोई दो uh, स्पीसीज uh, किसी कम्युनिटी में जिनका सेम फंक्शन है तो उनमें दो पॉसिबिलिटी हैं आउटकम होने के या तो उनमें कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन होगा दोनों तो डिफरेंट वे में दोनों अडेप्ट कर लेंगे डिफरेंट वे में ताकि एक फर्दर स्पेशन हो जाए नाइक का जैसे कि फूड हैबिट हो गया या फिर फूड कल्चर हो गया या फिर इन्वायरमेंट में उनको जीने का अलग अडापन हो जाएगा और इसकी वजह से उनका इकोलॉजिकल नाइक जो है वो डिफर हो जाएगा कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन का क्या मतलब डायरेक्ट कॉम्पिटिशन बिटवीन टू विल एलिमिनेट वन ऑफ दम दिस इज कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन आई होप आपको इकोलॉजिकल नाइक क्लियर हो गया होगा क्रक्स में आप इतना याद रखिए कि एक कम्युनिटी इकोसिस्टम में एक कम्युनिटी में कोई भी आ, कोई भी स्पीशीज कोई भी स्पीशीज का सेम इकोलॉजिकल फंक्शन नहीं होता है ओके okay? हम आगे प्रोसीड करते हैं टाइप्स ऑफ नाइक देखिए हैबिटेट नाइक हैबिटेट मतलब कहाँ पे वो रहते हैं फूड नाइक मतलब वो आ, आ, वो क्या खाते हैं सो प्रोडक्टिव नाइक हाउ एंड वेन इट रिप्रोड्यूस फिजिकल एंड केमिकल नाइक दैट इज टेम्परेचर लैंड शेप लैंड ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड वेब एंड फूड फूड चेन एंड फूड वेब देखिए फूड चेन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ हो इट्स होम एंड इंटरलिंकिंग ऑफ सेवरल फूड चेन इज फूड वेब देखिए आप आप इसको आसान एग्जांपल से समझिए ग्रेजिंग फूड चेन ग्रेजिंग फूड चेन में क्या होता है कि सबसे पहले प्लांट जो है प्लांट पर रिलाई करता है कैटरपिलर और कैटरपिलर के पर रिलाई करता है लेजर्ड और लेजर्ड पर रिलाई करता है स्नेक इसका मतलब है कि आ, स्नेक जो है लेजर्ड को खाता है लेजर्ड कैटरपिलर को खाता है कैटरपिलर प्लांट्स को खाता है दिस इज ग्रेजिंग फूड चेन चेनस डेट्रेटस फूड चेन इसका मतलब क्या होता है कि पेड़ के पत्ते जो झड़ के नीचे गिर जाते हैं वो ज़मीन में जा कर के डम्पोज होते हैं फिर वो जमीन में जा कर के डंपोज होते हैं और वो अर्थवॉम्प उन पर रिलाई करता है अर्थवॉम को चिकन खाता है और चिकन को हॉक खाता है इट मीन्स दैट डिकम्पोजर्स आर कमिंग इन द रोल ऑफ फूड चेन दैट फूड चेन इज नोन एज डेटरेटस फूड चेन नेक्स्ट इज फूड वेब फूड वेब इज नेटवर्क ऑफ फूड चेन इंटरलिंक टुगेदर इज नोन एज फूड चेन देखिए फूड चेन और फूड वेब में एक डिफरेंस दे रखा है आप पीडीएफ में इसको एक्सेस करके पढ़ लेंगे नथिंग मच टू एक्सप्लेन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फूड चेन isolated food chain adds instability and food web increases the stability of the ecosystem देखिए नेक्स्ट है बायोम जो हम जो पहले पेज में हम वो जो डायग्राम देख रहे थे इको सिस्टम के बाद था बायोम बायोम यूनिट स्टैंड इज लार्ज इन रीज़नल यूनिट रीजनल्टज बाई मेजर वेजिटेशन टाइप एंड फोना एसोसिएटेड विथ स्पेशाइज्ड क्लाइमेटिक जोन इसका एक एग्जाम्पल से आप समझिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या फिर डेजर्ट या फिर सवाना या फिर ग्रास लैंड ये जब इसके कैरेक्टरस्टिक ये कैरेक्ट्रिस्टिक फीचर्स जब हम जोग्राफी लेक्चर्स देखेंगे तो आप इसको और अच्छे से समझेंगे फ़िलहाल के लिए आप ये याद रखिए कि बायोम जो है वो मेजर वेजिटेशन टाइप होता है विथ स्पेशाइज क्लाइमेटिक जोन और उस क्लाइमेटिक जोन में वहाँ के फ्लोरा और फोना जो हैं उस वहाँ पे एसोसिएटेड होते हैं

कम्युनिटी इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी आई होप दिस डेफिनेशन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टू यू नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज बायोलॉजिकल इंटरैक्शन देखिए एग्जाम व्यू पॉइंट से आप ये याद रखें कि जब बायोलॉजिकल इंटरेक्शन होता है तो थ्री थिंग्स कैन हैपन या तो या तो इंडिविजुअल या तो इंडिविजुअल या, या तो वन स्पीसी हार्म और बोथ विल भी हार्म और बोथ विल बी बेनिफिटेड और नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म तो सबसे पहले म्यूचुअलिज्म म्यूचुअलिज्म में बोथ स्पीसीज वन एंड स्पीसीज टू इंटरशिंग इंटरैक्टिंग इन एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम बोथ आर गेनिंग इन दिस एग्जांपल यू कैन अंडरस्टैंड कि इन पॉलिनेशन पॉलीनेशन पोलीनेटर गेट्स द फूड एंड प्लान्टज इट्स पॉलिन ट्रांसफर टू अदर फ्लावर्स कमेंशलिज्म कमेंशलिज्म commensalism means one species is one species is gaining and the other species is remaining neutral for example cow dung provides food and shelter to dung beetles but the beetles have no effect on cow next is competition competition you need to understand both the species one and two is getting negative impact see if two species starts competing for same food then that is competition now नेक्स्ट इज प्रेडेशन एंड पैरासाइट पैरासाइटिज्म सी वन स्पीसीज इज गेनिंग एंड द अदर इज लूजिंग इन दिस प्रशन एग्जाम्पल ऑफ प्रेडेशन यू अंडरस्टैंड वन फिश किल्स एंड इट्स अनदर ऑर्गेनिज्म दिस इज प्रेडेशन वन इज डाइंग एंड द अदर इज गेटिंग फूड पैरसाइटिज पैरासाइटिज्म यू अंडरस्टैंड देखिए पैरासाइट में क्या होता है कि टेक्स जो होते हैं द गेंस बेनिफिड बाई सकिंग द ब्लड वो होस्ट के बॉडी में चले जाते हैं दे स्टार्ट सकिंग द The blood of though that host, that host is getting negatively impacted, and that parasite is getting positively impacted. Next is amensalism. This is very important from exam viewpoint. You need to remember this. Amensalism is one is negatively impacted, and the other remains neutral. Example of this. Yeah. Example, of a large tree shades small plant and retards the growth of that plant, while large tree is unaffected by the small plant. What happened in this scenario? the दैट लार्ज ट्री उसने सनलाइट रोक दिया तो दैट इज वाई दैट प्लान वॉज अनेबल टू ग्रो टू इट्स नेचुरल ग्रोथ सो यहाँ पे वन इज गेटिंग नेगेटिवली इम्पैक्टेड बट दैट स्मॉल प्लान इज नॉट एफेक्टिंग द लार्ज ट्री ट्रम इन दिस बोथ आर अनफेक्टेड नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल पिरामिड सी देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड पहले तो एक लॉजिकल पिरािड होता क्या है इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड एंड ईकोसिस्टम देर थ्री टाइप्स पिरामिड ऑफ नंबर पिरामिड ऑफ बायोमास पिरामिड ऑफ ऑफ एनर्जी. नंबर का है इट इज मतलब है? इट इज ग्राफ ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया ऑफ वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट नीड टू रिमेबर इज पिरामिड नंबर कैन बी अपराइट और इनवर्टेड एग्जाम्पल ग्रास लैंड ऑफ अपराइट एंड इनवर्टेड इज पैरासाइटिक ग्रास लैंड में ग्रास लैंड में क्या होता है कि ग्रासेस का नंबर बहुत ज्यादा होता है दे आर द प्रोड्यूसर्स ग्रासेस पर जो डिपेंड करते हैं वो इंसेक्ट्स होते हैं दे आर दर्वी बोर्ड दे आर ऑबियसली लेस देन द नंबर ऑफ ग्रासेज उसके बाद इंसेक्ट पे जो फीड करने के लिए जो होते हैं फ्रॉक्स एंड बर्ड्स दे आर लेस देन द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स दैट इज द कार्निवोर एंड द फ्रॉक्स एंड बर्ड्स दैट 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 इज फीड ऑन बाई जिस जिस पे हॉक्स एंड अदर बर्ड्स फीड करते हैं दे आर द टॉप कार्निवोर दे आर मोर लेसर इन नंबर्स टू सी यू सी द पिरामिड ऑफ नंबर ये इट इज़ गेटिंग रिड्यूस एज वी गो फ्रॉम बेस टू टॉप नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पैरासाइटिक फूड चेन सी इन दिस ट्रीज एक ट्री होता है ट्री इज द प्रोड्यूसर्स उसमें जो नंबर ऑफ बर्ड्स बैठे हैं हर्वी वोर्स दे आर मोर बर्ड्स के बॉडी uh, पे जो लाइस बग्स लाइस एंड टेक्स एंड बग्स हैं दे आर द पैरासाइट्स दे आर मोर 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 देन द नंबर ऑफ बर्ड्स क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं एंड हाइपर पैरासाइट दैट इज फ्लीज एंड माइक्रोव दे आर द मोर इन नंबर्स सो दिस इज द इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर आई होप एग्पल मेक्स यू क्लियर की है नम ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल ध्यान रखना है पिरामिड ऑफ बायोमासका मतलब है अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन पर्टिकुलर इन्वायरमेंट इज बायोमासी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल ड्राई वेट एट ईच ट्रॉफिक लेवल दैट इज पिरामिड ऑफ बायोमासमेंट आपको याद रखना है इनवर्टेडिको सिस्टम देखिए आप एग्जाम्पल्स और अच्छे से समझेंगे देखिये प्रड्यूसर्स अगेन अगेन द वेट ऑफ बायोमास प्रोड्यूसर्स ट्री जो है उसका वेट जो है वो बहुत ज्यादा है उसके ऊपर जो फीड करने वाले हरवी वो जैक दैट इज डेयर उसका वेट कम है Uh, uh, um, biomass of uh, biomass of herbivore is less than the producers that is trees those primary consumers uh, primary carnivore that is feeding on herbivore that is uh, fox that is having more uh, uh, that is having less uh, less biomass that is having less biomass and the top carnivore that is lion that is having lesser biomass इन्वर्टेड बायोमास समझिए कि छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है और बड़ी मछली को और बड़ी मछली खाती है आई होप द एग्जाम्पल मेक्स यू क्लियर नेक्स्ट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी सी इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रैप्ड पर यूनिट टाइम इन अ फूड चेन इट इज़ ऑलवेज अपराइट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट एज देर विल भी लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक टू नेक्स्ट लेवल दैट इज वाई इट इज ऑलवेज अपराइट next point you need to remember is 10% okay, uh, law raymond lendman 1942 he gave the 10% law according to this only 10% of the energy entering into traffic level is available to be transferred for next level that's, for, that's all for the lectures i hope these lectures are making sense to you in your quick revision देखिए स्टार्टिंग में देखिए स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर में मैंने बात किया था कि यू गेट वन सिक्स सिक्सटी थाउजेंड थाट्स इन अ डे सो यू नीड टू चूज योर थाट्स वाइजली आप एक ही थॉट्स को बार बार अगर रिपीट करते जाएंगे तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा एंड सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी 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 स्ट्रॉग इट ऑलवेज फाइंड्स इट्स वे सो वॉट यू शुड डू इज यू शुड स्टार्ट यू शुड स्टार्ट टेलिंग योर सबकॉन्शियस माइंड दैट येस यू कैन डू इट यू कैन अचीव इट यू कैन अचीव इट यू वॉन्ट द सक्सेस